मॉब लिंचिंग पर चिंता जताई जा रही है, बहुत चिंता, लेकिन सड़क पर हालात वही है। राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के आरोप बोलने दो, एक बार आने दो, जितना भी बोलना चाहिए कर दी गई। यस, मृतक का नाम रकबर खान है, नाम भी सब पेपर में आ चुका है। व्हाई यू आर अगेन रिपीटिंग, यस हो गया मैडम स्पीकर। इसका ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है और वहाँ पर डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व है इस केस में। आपको ये ऐसा आरोप नहीं, वो नोबडी फार्म के लिए अपने गाय लेके जा रहे थे, उनके ऊपर गोरक्षकों ने हल्ला कहा और वो गोरक्षक वहाँ के एमएलए के शिष्य है। ऐसे आरोप यहाँ पे पेपर में पढ़ के लगाए जाते हैं, नहीं मैं रिकॉर्ड में जाने दूंगी, क्योंकि जिसकी इन्वेस्टिगेशन होना है इन्वेस्टिगेशन होने दो। नो आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, आप वहाँ मौजूद थे, आई एम सॉरी, नो ये सच्चाई है, आप देखिए ये सच्चाई है, इन्वेस्टिगेशन होने दो। अगर सरकार के लोग ही आप ये बोलो कार्रवाई होने दो, सपोर्ट करते गई और मरने वालों को यहाँ पर रख के गाय के लिए 10 किलो तो इसीलिए सेम इशू कहना ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पर वो उसको रिस्पांस नहीं दे रही। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी मांग है, इंस्टेड ऑफ कमिटी जो यहाँ होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में करने के बजाय और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो कमिटी हो रही है, लेट देम डू इट। लेकिन मैं डिमांड करता हूँ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को आप नियुक्त करो, ये सब घटना है इंक्वायरी करो और रिपोर्ट आने दो, और जो भी जिसमें भी अपराध जो भी अपराधी है उसको शिक्षा दो, हमारी ये मांग है। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैडम।